तो आप देख लिए कितना बेहतरीन लग रहा था ना फोटो के ऊपर, लाइनिंग वाला इफेक्ट लगा हुआ था, लाइटिंग वाला इफेक्ट लगा हुआ था फोटो के ऊपर, और फोटो के ऊपर हम कुछ लिखे हुए थे तो वो भी लाइटिंग वाला लाइनिंग वाला इफेक्ट लगा के। तो फोटो देखिए कितना मजे का लग रहा है, कितना जानदार लग रहा है ना। अगर आपको भी ऐसा फोटो एडिटिंग करना है, ऐसा फोटो आपके फोटो के ऊपर भी ऐसा इफेक्ट लगाना है तो ये वीडियो को आप पूरा देखिए। सो गाइस, मैं तबरेज, आप देख रहे टेक्निरिसिप चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा जो हम लोग अपने फ़ोटो के ऊपर लाइनिंग वाला इफेक्ट कैसे लगाएंगे। हम लोग अपने फ़ोटो के ऊपर कुछ लिख के और लाइनिंग वाला इफेक्ट, लाइटिंग वाला इफेक्ट लगा के फ़ोटो को कैसे एडिटिंग करेंगे। आप यकीन मानिए, अगर आप अपने फ़ोटो के ऊपर ऐसा लाइटिंग वाला, लाइनिंग वाला फ़ोटो के ऊपर इफेक्ट लगा के एडिटिंग करके आप अपने फ़ोटो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर कहीं भी शेयर करोगे तो बहुत ही लाइक और बहुत ही कॉमेंट मिलेगा। अगर आपका दोस्त भी ये फ़ोटो को आपको देख लेगा तो आपका दोस्त आपसे पूछ बैठेगा, यार तूने ऐसा फोटो कैसे बनाया, ऐसा लाइनिंग वाला इफेक्ट अपने फोटो के ऊपर कैसे लगाया, मुझे भी बता दे, मुझे भी सिखा दे। तो ये सब सीखने के लिए आप ये वीडियो को पूरा देखिए। और आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए, ऑल बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए। तो चलिए फिर कुछ नया सीख लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ हम अपने फ़ोटो के ऊपर लाइनिंग वाला इफेक्ट कैसे लगाएंगे। जैसा कि मैं आपको पीछे वीडियो में फ़ोटो पे दिखाया हूँ लाइनिंग वाला इफेक्ट, तो ऐसा इफेक्ट लगाने के लिए आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो सॉफ्टवेयर देख लीजिए, ये वाला, और ये सॉफ्टवेयर का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब भी आप वीडियो को छोड़ के नहीं जाइए, नहीं तो नहीं सीख पाइएगा, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए ये सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर लेते हैं और आपको यहाँ पर फ़ोटो के ऊपर इफेक्ट लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, तो आप नीचे में देखिए राइट साइड में एक पिंक कलर का प्लस का आइकन दिख रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन निकल के आ जाएगा। तो ऊपर में देखिए लिखा हुआ है फ़ोटो, तो आप फ़ोटो पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल के गैलरी ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप फ़ोटो ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए गैलरी ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर से हम एक फ़ोटो ले लेते कोई सा भी। तो यहाँ पर मैं एक ये फ़ोटो पे क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पर नीचे में राइट साइड में देखिए एक प्रोसेट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉप करने के लिए बोलेगा, तो आप अपने फ़ोटो को यहाँ पर बड़ा छोटा कट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो साइज़ रखना है। उसके बाद आप ऊपर में राइट साइड में देखिए एक मार्क सा दिख रहा है, तो आप यहाँ पर मार्क पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो एडिटिंग के लिए आ जाएगा। तो आप फिर ऊपर में देखिए राइट साइड में एक गोल आइकन दिख रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक पिंक कलर का, यहाँ पर देखिए एक लाइनिंग वाला इफेक्ट यहाँ पर चल रहा है। तो सेम ऐसा जो इफेक्ट यहाँ पर चल रहा है, ऐसा ही आपके फ़ोटो के ऊपर लाइनिंग वाला इफेक्ट चलेगा। बस आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज करने का है, तो यहाँ पर नीचे में देखिए एक कलर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर देखिए पिंक पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं रेड वाला लगा दिया, और उसके बाद रेड पर हम क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी रेड वाला कलर में आ गया लाइनिंग वाला इफेक्ट में। उसके बाद इसका साइज भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे पतला साइज है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं यहाँ पर नीचे में साइज पे यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो साइज कम बेस जो यहाँ पर हो रहा है, तो जितना चाहिए उतना रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिंगल लिखा हुआ है, सिंगल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर डिस्को पे ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना मजे का यहाँ पर इफेक्ट दे रहा है ये लाइनिंग वाला इफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ सेटिंग है, तो जो सेटिंग आपको करना चाहिए तो वो मेन जो यही तीनों था, तो ये तीनों करके उसके बाद यहाँ पर हो गया। फिर आप यहाँ पर जब कंप्लीट हो जाएगा तो बैक आ जाइए, और उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा ड्राइंग करने के लिए, यहाँ पर लाइनिंग वाला इफेक्ट लगाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर अपने फ़ोटो के ऊपर ड्राइंग करता हूँ, तो आपको जो स्टाइल का ड्राइंग अपने फ़ोटो के ऊपर करना है वो हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अपने फिंगर से, मैं अपने उंगली से ऐसा ड्राइंग करता हूँ फ़ोटो के साइड साइड से, ऐसा देखिए मैं यहाँ पर ऐसा ड्राइंग कर देता हूँ।
यहाँ पर देखिए मैं ये ड्राइंग कर दिया, तो यहाँ पर देखिए आप अपने हिसाब से सही से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जल्दी जल्दी में आरा टेरा लाइन हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम ये फोटो को देखते कैसा लग रहा है, तो यहाँ पर नीचे में देखिए एक प्ले का बटन दिख रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और ये जो ड्राइंग की है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो कैसा इसमें लाइटिंग वाला इफेक्ट लगेगा। तो देखिए यह कैसा बेहतरीन लग रहा है ना, देखिए। और उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर लिखना है, जैसा कि आपको अपना नाम लिखना है या किसी का भी नाम लिखना है तो यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं एक एक स्पेलिंग में। तो चलिए मैं यहाँ पर लोब लिख देता हूँ, ठीक है, लोब लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसा लोब का ड्राइंग कर देता हूँ, तो आप अपने हिसाब से सही से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर स्पेलिंग जो है ना सही से नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं लॉब लिख दिया, फिर हम यहाँ पर प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी कितना मज़े का ये फोटो लगेगा, देखिए। तो देख सकते हैं देखिए कितना मज़े का ये फोटो लग रहा है ना। तो ऐसा फोटो आप बना के और कहीं भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करोगे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, तो आपके फोटो के ऊपर बहुत, अगर आपका जो स्टाइल में लिख के सभी कुछ करके आपका फोटो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये फोटो को अगर आपके मोबाइल की गैलरी में सेव करने का है तो आप ऊपर में देखिए राइट साइड में एक एरो का आइकॉन आपको दिख रहा है, एक मार्क सा दिख रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक दीजिए और उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे में देखिए एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा फोटो जो बनने के लिए रेडी हो गया, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग 100 तक के चलेगा, उसके बाद आपका फोटो कंप्लीट होके आपके मोबाइल के गैलरी में वहाँ पर सेव हो जाएगा।